अभी कुछ टाइम हुआ ही था कि जो डीएम शैलेश कुमार यादव थे, जो अगरतला के, वेस्ट अगरतला के जो डीएम थे, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए जनता को परेशानी में डाला और एक शादी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो अपनी वीडियो के कारण वायरल हुए थे। और अब फिर से एक और कलेक्टर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर रणवीर शर्मा, जिन्होंने अपनी हरकतों यानी अपनी पावर का मिसयूज करते हुए जनता को फिर से परेशान किया। एक बार आप जरा इनकी वीडियो देखिए। कौन सा टेस्ट करना चाहिए? अरे सर, दादी का दे गया, मैंने कहा नहीं निकलते हैं वही चाहे घर में, इसीलिए नहीं दिए। भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने, मिल जाएगा सर। ये रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? जिस लड़के को थप्पड़ मारा गया, उस लड़के का नाम है अमन मित्तल। दवा लेने के लिए बाहर निकला था, इसने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। ऑब्वियसली अगर उल्लंघन किया है तो उसको रोका जाए, उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी की जाए। लेकिन किस अधिकारी को यह अधिकार बनता है कि वो पब्लिक यानी जो जनता है उसकी चीजों का, उसकी पर्सनल चीजों को वो तोड़े? अगर फोन में कुछ भी इलीगल चीज थी जो इस आईएएस ऑफिसर को पसंद नहीं थी तो उसको चेक करते, अपने अंडर लेते और उसके ऊपर कार्रवाई करते। अगर नहीं भी थी तो वापस उस इंसान को कर देते जिसका ये फोन था। तोड़ने का क्या मतलब बनता है? लेकिन इतनी सिंपल बात एक आईएएस ऑफिसर को समझ नहीं आ रही है, कमाल की बात होगी। और जो कोविड-19 की गाइडलाइन को जो पालन करवा रहे थे, जिसमें खुद फोन तोड़कर इस लड़के को थप्पड़ मार रहे हैं। मुझे लगा कोविड-19 गाइडलाइंस के अंदर ये भी आता है कि निश्चित दूरी बनाकर रखें, लेकिन तो इसमें आईएएस ऑफिसर खुद टची टची हो रहे हैं। एक तरफ जहां पर पूरा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, वहां पर सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता के साथ नरमी से, शांति से पेश आए, उन्हें समझाए, उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइन का सही से पालन करवाए, ना कि उनके ऊपर अपनी पावर का मिसयूज करते हुए उनसे वो पालन करवाए। इवन जो ये रणवीर शर्मा है, इन्होंने पुलिस को ये कहा भी कि मारो इसको, कौन सा क्राइम कर दिया यार उस इंसान ने जो उसको मारा जा रहा है सड़क के बीचों बीच में। आईएएस एसोसिएशन ने इस बात की कड़ी निंदा की है इस बात की। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्वेंट को ऐसा होना चाहिए, वो शांत रहे, अपने काम में सही से वो बर्ताव करे, लोगों के साथ लोगों को अच्छे से समझाए। ये आईएएस एसोसिएशन ने इस बात की कड़ी निंदा की, ध्यान रखना। और आईएएस ऑफिसर रणवीर शर्मा को लेकर सस्पेंशन की बात चल रही है, जैसे कि डीएम शैलेश कुमार यादव को लेकर चली थी। देखो यार, आईएएस का सस्पेंशन कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि भाई हाँ ये सिर्फ चीजें हुई और सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा नहीं होता। उनको भी, डीएम शैलेश कुमार यादव को सस्पेंड नहीं किया गया था, उनका डिपार्टमेंट जो है वो चेंज कर दिया गया था। और सेम इसी केस के अंदर होगा, इनका भी डिपार्टमेंट जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, रणवीर शर्मा का। और अब आप देख लीजिए कि डिपार्टमेंट चेंज करने से क्या एक इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो तो आप लोग को डिसाइड करेंगे। लेकिन अपनी इस हरकत के बाद रणवीर शर्मा ने अपनी जो ये हरकत की है, जैसा व्यवहार किया, जो एक आईएएस ऑफिसर ने व्यवहार किया जनता के साथ, उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी है, वो तो अब आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे जितने भी केस आ रहे हैं, ये डीएम शैलेश कुमार यादव और अब ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के जो कलेक्टर हैं रणवीर शर्मा, इनके जब केस देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर सबको वायरल होना है, सबको अपनी पहचान बनानी है। इवन वो सही बने गलत बने, इसको कोई भी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। खैर, आप और हम कर भी क्या सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो जनता को परेशानी में डाले, मिसयूज करें, बस इतना ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास तो कुछ है भी नहीं कहने को और करने को। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।